नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के तहत शिविर का आयोजन विदिशा जिले के पठारी ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में किया गया। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के तहत ऋणी किसानों को आवश्यक रूप से बीमा करा लेना चाहिए, वहीं अऋणी किसानों के लिए यह योजना पूर्णतः स्वैच्छिक है। साथ ही साथ अधिकारियों ने बताया कि जो किसान बैंकों में ओवर ड्यू चल रहे हैं, वह किसान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बीमा कराने के लिए किसान मित्रों, विभाग के कर्मचारियों और बीमा एजेंट से संपर्क किया जा सकता है। इनसे बीमा प्रस्ताव फॉर्म भराकर बैंक में प्रीमियम राशि जमा करना है। उल्लेखनीय है कि खरीफ फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना के अंतर्गत विभाग ने जानकारी नहीं दी थी, इसलिए किसान निर्धारित तारीख तक प्रीमियम नहीं जमा कर सके, जिससे कई किसान इस योजना से वंचित रह गए थे, जिसकी उच्च स्तर पर शिकायत की गई और कुछ शिकायतें आज भी लंबित हैं। इसी को देखते हुए विभाग के द्वारा पठारी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत शिविर का आयोजन किया गया था। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। गेहूं की है 393.75 रुपये प्रीमियम राशि है। चने की है 382.50 रुपये और मसूर की है 231.75 रुपये। प्रीमियम जो है फार्म वर्कर किसानों द्वारा जो है बीमा कंपनी एजेंट है आपके यहाँ पदस्थ है, उसके द्वारा बैंक में जमा की जाएगी। फसल बीमा शिविर का आज आयोजन किया गया। इसमें हमारे किसान भाइयों को ये जानकारी दी गई कि 31 दिसंबर 2019 तक फसल बीमा का जो है किसान लाभ ले सकते हैं। इसी को लाभ लेने के लिए ये आज के शिविर का आयोजन किया गया। रहा नहीं, ऊपर से ये शिविर की डेट फिक्स की गई थी, उन्हीं तारीखों में सभी जगह ब्लाक में जो है और जिले में ये शिविरों का आयोजन किया गया। उसमें पिछली बार जो है जानकारी तो दी गई थी, लेकिन शिविरों के माध्यम से नहीं दी गई थी। इस सीजन में शासन लेवल पे ये संशोधन किया गया कि इस प्रकार के शिविर ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं, जिससे किसान ज़्यादा लाभ ले सकें। उसी तारतम्य में ये जो है पठारी में शिविर रखा गया। क्या क्या कहना है? ये शासन स्तर की बात है, अगर शासन चाहेगी तो बढ़ भी सकती। खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।